और 13वां मास चला हुआ था, जंगल में बताते हैं कि बड़े बुजुर्ग से सुने हैं क्या सीखने लग रहे हैं, उनको प्यास लग जाती है और धर्मपुत्र युधिष्ठिर कहने लगे अपने भाई थे नकुल से के भाई नकुल, आप कहीं ना कहीं से पानी की व्यवस्था करो, पानी का बेरा पाड़ो। और वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, चारों तरफ नंगा फलाई, एक जानवरों का झुंड उठता देखा, उसने सोचा आड़ पानी पास है, चलते चलते वहां पर गया, वहां एक छोटा तालाब मिला और जैसे उसने प्यास तो लगे रही थी, जल में हाथ दिया, यक्ष देवता बोलते हैं जल से, कह रहे जल पीने वाले मेरे सवाल का जवाब दे, बाद में पानी पीना, नहीं तो देख लिया तेरे को यहीं खत्म कर दूंगा, क्या माना तेस लाग रही थी, मारा आधा नवा पिया वही मूर्छित हो जाता। ऐसे ही कर करके एक दूसरे के कि भाई आया नहीं, उठोने चले फिर पा गया, चारों भाई ऐसे ही सवाल का उत्तर नहीं दे पाए, वहीं पे चारों भाई मूर्छित हो जाते हैं। अर्जुन भीम नकुल सहदेव सांझ होगी, चारों भाई वापिस को ऐसा नहीं आया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर चलता है और चल कर देखा चारों भाई लोटे पड़े, और तेस तो उसने लाग रही थी जिसा जल में हाथिया, यक्ष देवता फिर आवाज लगाते करो पानी पीने वाले मेरे सवाल का जवाब दे देना, तो चारों का हाल हो रहे तेरा हाल होगा के महाराज, आप सवाल करिए आपके सवाल का जवाब दूंगा। राजा यक्ष सवाल करते हैं, धर्मपुत्र युधिष्ठिर का जवाब देता है। आइए ये अशोक प्रवीण भाई की जोड़ी है, एक एक बोल सुनने के लायक कहे, कैसे सवाल किए कैसे कैसे जवाब दिया। महाराज हाँ युधिष्ठिर कही है, आपने क्या कहा, जो मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे हाँ उन प्रश्नों का आपने जवाब देना पड़ेगा। जवाब दूंगा, अगर जवाब नहीं दिया हाँ तो जिसे चारू भाई पड़े हैं ना वो हाल तेरा हो। आप सवाल करिए मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जवाब दोगे हाँ, सुनिए सुना, ये रा मेरे प्रश्न का उत्तर देना, यो ये हाल तेरा होगा, और प्रश्न करो युधिष्ठिर बोलो सही जवाब मेरा होगा, ओ तेरे प्रश्न का उत्तर देना, यो ये हाल तेरा हो पिता का नाता कहते हैं, आवाज से ज्यादा तेज के चले जो मन चले जाता कहते हैं, अरे घास से ज्यादा चीज के फल जनता का खाता कहते हैं, घास से ज्यादा चीज के फल जनता का खाता।
अजीज भाई, भाई संजय सह निवासी और सोनू भाई, दोनों भाई 100-100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। भाइयों को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। पहले भी मान सम्मान कर चुके हैं, भाई नोरंग डिपो होल्डर 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, मेरे भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद है। परमादरणीय बड़े भाई साहब, बड़े बचपन के आशीर्वादी, पहले भी मान सम्मान कर चुके भाई कृष्ण काला जी, 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं, मेरे भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। मेरे परमादरणीय बड़े भाई साहब अनिल सरपंच जी सह निवासी, 100 रुपए से और पार्टी का मान सम्मान करते हैं, सरपंच साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद है। मेरे परमादरणीय बड़े भाई भाई संदीप जी खरक निवासी पहलवान जी, 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं, पहलवान जी को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। क्या बताया, अच्छी जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो पंग कैसे जरा पश्य वासना का धंधा हो, मृत लोक में मिले बुराई जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, मृत लोक में मिले बुराई जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, ये नीच कवाव है कोर जगत में, नीच कवाव कोर जगत में जो लोभ के बीच खाया होगा, और प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब मेरा, मेरे प्रसन्न का उत्तर देना जो है तेरा होगा, प्रसन्न करो बोले सही जवाब मेरा। भाई मरे पड़े जाओ, ये डॉक्टर साहब साहिल रंगाजी रानीला निवासी 50-50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, डॉक्टर साहब को बार बार धन्यवाद है। जाओ बेटा, हाँ महाराज, दिल दिल चीज बता के उसे बोल के बता, ए रे दिल दिल चीज बता के उसे, अरे चल दिल चीज बता के उसे, अरे दिल बिन पत्थर अरे, अरे साथी कौन मुसाफिर का जो गैल मुसाफिर होया करे, ए साथी कौन गरस्ती का रत्रिया बिन के घर होया करे, अरे मृत लोक में काम जो आवे ईसा कर्म ही मित्रे होया करे, मृत लोक में काम आवे कर्म ही मित्र होया करे। महाराज जानी दुश्मन कौन होता मनुष्य का बताइए, हमारे पास ही है। हाँ, ए जानी दुश्मन कौन मनुष्य का, जानी दुश्मन कौन मनुष्य का, जो गुस्से भी चढ़ाया हो प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब मेरा होगा, मेरे
हमारे प्रमादनीय पहले भी मान सम्मान कर चुके हैं भाई सतीश रुंडा फौजी चंद्रवास निवासी सोसुर पे से दोनों भाइयों का मान सम्मान करते हैं। मेरे फौजी भाई को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद हो। बताया जो सतकर्मा पे नीत रे सब बड़ा अतम्मा के नाम सब जरूर मरे। अपना भाई एक मांग ले दे दूंगा मत फिक्र कर। अपना भाई एक मांग ले दे दूंगा मत फिक्र कर। छोटा भाई नकुल बकस दे छोटा भाई नकुल बकस दे के चमन हरा होगा पर सरे करो बुद्धि कर बोले सही जवाब तेरा होगा। मेरे पर सदका उतर देना यो हाल तेरा हो पर सरे करो बुद्धि कर बोले सही जवाब तेरा मांगना था मने बड़े बड़े महाती ये चारों भाई तेरे बड़े जो था बलवान ये तेरे उस जब कुरुक्षेत्र की महाभारत का युद्ध छड़ेगा जब ये याद आओगे तेरे। सुन ले महाराज। हाँ मने युद्ध का कोई चक्कर नहीं मेरा। अच्छा कल समाज में क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दूंगा? हाँ सुनिए बोलिए। मेरे साथिया तू कोई गीतगा मेरे बहुत अच्छे तू कोई गीतगा गीत संग गीत से गीत संग गीत से प्यास दिल की मुझे
जाना माधुरी का नकुल बकस दे मैं कुंती का रे जंगा माधुरी का नकुल बकस दे मैं कुंती का रे जंगा एक कर संतन करया पास्त में एक कर संतन करया पास्त में मेरे सर पर हाथ धरया होगा सभी का तहे दिल से बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद जो अपने बच्चे भाइयों के गीत सुने, जो मान सम्मान किया, सभी का बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद भाई पवन।